हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू हाउस ऑन व्हील। तो गाइज मैं आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ ऑल न्यू होंडा अमेज का टॉप एंड मॉडल VX IVTEC पेट्रोल इंजन, और इसके अलावा आपको ID.TECH डीजल इंजन भी मिल जाता है। दोनों ही आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, और अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक ऑफर करता है विथ 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग एंड बहुत सारे स्पेशल फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर बात करें इसकी वेरिएंट में तो आपको इसमें 3 वेरिएंट मिल जाता है, ES और VX। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये टॉप मॉडल VX है, और इसकी फ्रंट प्रोफाइल में आपको यहाँ पर बिग साइज़ का सिग्नेचर होंडा का ग्रिल मिल जाता है, और यहाँ पर होंडा का लोगो देखने को मिलता है, और जस्ट आपको यहाँ पर फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। यहाँ DRL है, टर्न इंडिकेटर्स, और नीचे में आपको LED फॉग लैम्प है विथ क्रोम गार्निश। ये आपको 2 वाइपर वॉशर दिया गया है, और यही है फ्रंट लुक, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक ऑफर करता है होंडा, टॉप सेलिंग कार है होंडा की तरफ से। और अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसको आपको बॉडी कलर ORVM मिल जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर, और इसमें आपको 15 इंच की डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और ये साइड प्रोफाइल 2470 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है, और 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। चारों डोर हैंडल में आपको क्रोम दिया गया है। यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री का बटन मिल जाता है, स्मार्ट अनलॉक फीचर। अगर इसकी बैक प्रोफाइल की बात करें तो आपको इस तरह से बैक प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। ये LED सी टाइप टेल लैम्प्स है विद टर्न इंडिकेटर, बैक लाइट, यहाँ पर अमेज की बैजिंग, यहाँ होंडा का लोगो, यहाँ पर IVTEC पेट्रोल की बैजिंग। इसमें आपको 4 रिवर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, ये सिल्वर क्रोम गार्निश। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है दोनों साइड, यहाँ पर आपको लैंप दिया गया है, यहाँ पर कैमरा है, ये सार्फिन एंटीना डिफॉगर, हाई स्टॉप लैंप। और अगर इसकी बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 420 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। जो इनफ है, आप बहुत सारा बैग बड़ा बड़ा कैरी कर सकते हो। और लगेज लैंप की बात करें तो यहाँ पर लगेज लैंप भी दिया गया है। और यहाँ पर स्पेयर व्हील भी दिया गया आपको। तो बूट बंद करते हैं, और इसमें आपको 35 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी मिल जाता है। आपको को पैसेंजर साइड भी कीलेस एंट्री का फंक्शन मिल जाता है। यही गाड़ी के एक्सटीरियर लुक, अब इंटीरियर चल के चेक करते हैं इंटीरियर में क्या क्या मिल जाता है आप लोग को। कुछ इस तरह से आपको 2 स्मार्ट कीज़ देखने को मिल जाती है, जिसमें लॉक, अनलॉक, और ये इसको होल्ड करोगे तो बूट ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं इंटीरियर और चेक करते हैं क्या क्या फीचर्स मिलता है। यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। और डोर की बात करें तो डुअल टोन डोर्स मिल जाते हैं इसमें। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश दिया गया है, ये डोर ओपनर, ये लॉक अनलॉक। आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, ये बस जो मेन ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन है, ये लॉक अनलॉक के बटन, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, यहाँ से फोल्डेबल, लेफ्ट राइट सेलेक्ट करने का बटन। यहाँ बॉटल होल्डर दिया गया है। यहाँ पर आपको 4 स्पीकर, जो 2 ट्विटर का कॉम्बिनेशन है। और ये फ्रंट डैशबोर्ड की लुक, यहाँ पर आपको डुअल टोन डैशबोर्ड देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक और बीच कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। और सीट की बात करें तो इसमें फैब्रिक सीट्स मिल जाती है, जिसका वाइड एंगल बहुत ही बेटर है। दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और बात करें यहाँ पर तो आपको सीट एडजस्टमेंट, रिक्लाइनर, यहाँ पर आपको पैडल्स, डेड पैडल दिया गया है। यहाँ पर फ्यूल खोलने का बटन, यहाँ पर
बोनेट खोलने का लीवर, यहाँ पर हेडलैम्प लेवर, ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जिसमें रेड लाइट ब्लिंक होते रहते हैं, ये एसी के वेंट्स। अब इंटीरियर चल के चेक करते हैं इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिले। इसमें आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, आरपीएम मीटर भी एनालॉग दिया गया है, स्पीडोमीटर भी एनालॉग है, बीच में आपको एमआईडी स्क्रीन मिल जाती है छोटी सी, उसमें शो करता है टेम्परेचर ट्रिप पे, ट्रिप भी, फ्यूल टाइम। और बात करें अगर स्टेयरिंग व्हील की तो आपको इसमें लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिल जाते हैं यहाँ पर सिल्वर फिनिश के साथ। यहाँ पर ऑडियो के कंट्रोल्स, यहाँ होंडा का लोगो, यहाँ क्रूज कंट्रोल्स दिया गया है, कुछ इस तरह से लेदर रैप्ड स्टेयरिंग है। और ये सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर एसी वेंट सिल्वर फिनिश के साथ, और ये आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, स्मार्टफोन नेविगेशन, ब्लूटूथ ऑक्स, मीडिया प्लेयर, ये हज़ार्ड लाइट ऑन करने का ऑफ करने का बटन। और नीचे आए तो यहाँ पर हम लोग ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं जिसकी कूलिंग बहुत ही बेटर है अदर कार के मुकाबले। और यहाँ पर आपको 12 वॉट का पावर सॉकेट, 2 यूएसबी पोर्ट, 1.5 एम्पियर का और 1:1 एम्पियर का दिया हुआ है। यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर बॉटल होल्डर और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है आपको इसमें। और ये की रखने का स्पेस है, ये हैंड ब्रेक आर्मरेस्ट नहीं है, यहाँ पर स्पेस है, आप कुछ भी सामान वामान रख सकते हो। और यहाँ पर भी सिल्वर फिनिश दिया गया है। कार पूरा अंदर से इंटीरियर पूरा प्रीमियम फील होता है, और आपको जो अदर कार्स में नहीं मिलता है बट इसमें प्रीमियम पूरा फील होता है। बात करें ग्लो बॉक्स की तो इसमें आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है, ये डे एंड नाइट आईआर वीएम। तो यह वैनिटी में आपको मिरर मिल जाते हैं, ये केबिन लैंप जो हेलोजन में, यहाँ वैनिटी में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ ग्रैब हैंडल, चारों साइड ग्रैब हैंडल दिया है, ये रियर की लुक। ये थी डैशबोर्ड की लुक, बहुत ही प्रीमियम डैशबोर्ड दिया गया होंडा की तरफ से अमेज में। फील होता है कि आप कुछ महंगे कार और अच्छा कार में बैठे हो। और अगर हम लोग डैशबोर्ड की विजिबिलिटी की बात करें तो आपको अच्छा खासा विजिबिलिटी मिल जाता है जब आप कार ड्राइव करोगे। बिग साइज का बोनेट दिया गया है। अब चलते रियर में, पीछे देखते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं हम लोग को बैक में। यहाँ से कार को ऑफ करते इसकी रियर लुक की बात करें तो चलिए चल के देखते हैं अंदर आपको क्या फीचर्स मिलते हैं। ये बैक की डोर, इसमें भी आपको स्पीकर, यहाँ पर विंडो ओपन क्लोज का बटन, यहाँ ओपनर डोर ओपनर, ये बैक सीट फैब्रिक सीट है, बहुत ही वाइड सीट है। यहाँ पे आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट दिया गया है। अब बात करें तो आपको यहाँ पर सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है विद कप होल्डर, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है होंडा की तरफ से। पीछे थोड़ा स्पेस मिल जाता है आपको सामान रखने के लिए। ग्रैब हैंडल, ये फ्रंट डैशबोर्ड की लुक, डुअल टोन डैशबोर्ड है। नाउ गाइस अब बात करते इंजन ऑप्शंस की, तो इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर आईवीटेक पेट्रोल इंजन आ जाता है जो 66 bhp का पावर और 110 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन आईडीटेक डीजल इंजन जो 73 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है, पावर निकालता है और 200 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये जो आप लोग देख रहे हो ये आईवीटेक पेट्रोल इंजन है, 1.2 लीटर वाला 4 सिलेंडर इंजन है। नाउ गाइस अब प्राइस की बात करते तो ये VX मॉडल पेट्रोल में प्राइस है 9,84,000 टू 9,89,000, और इसका डीजल वेरिएंट की प्राइस है 12,26,000 टू 12,30,000 ऑन रोड प्राइस है।
मैंने आपको दोनों वेरिएंट का प्राइस बता दिया है और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कार कैसी लगी। यही थी ऑल न्यू होंडा मिस का ओवरऑल लुक। इसमें आपको 5 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, मेटोला आपको ग्रे कलर, सिल्वर कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर और वाइट कलर। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाइट कलर है। तो यही गाड़ी की ओवरऑल लुक थी। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसी कंटेंट मैं लाता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।